नमस्कार, जय माता दी। भक्तों, हम आज बात करने वाले हैं माँ भगवती के आठवें स्वरूप की। जी हाँ, महागौरी स्वरूप है माँ भगवती का आठवां स्वरूप। आठवें नवरात्र के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका वर्ण जो है, जो रंग है, जब पूर्णतः पूर्व गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। आज के दिन पूर्व की भांति नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के पूजा मंडप में अपने जो भी चीज़ें चढ़ाई उनको हटाएं, उनकी सफाई करें और नई चीज़ें जो माँ भगवती को चढ़ानी है उनकी तैयारी कर लें। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृति की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जी हाँ, जो माँ भगवती के स्वरूप की पूजा करते हैं उनके जीवन में ऐसे लगने वाले कार्य जो असंभव है, जो लगता है कि मुश्किल है, संभव नहीं है, लेकिन वो कार्य भी संभव हो जाते हैं। देवी दुर्गा के नौ रूपों में महागौरी आठवां शक्ति स्वरूप रूप है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। माँ महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जो जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। देवी का जो स्वरूप है, यानी जो गौरी है, देवी गौरी के इस अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया था। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है और यही शिवा है, यही सांभवी है और इन रूपों की इस दिन पूजा की जाती है। महागौरी जो है, उनकी चार भुजाएं हैं। उनकी दाई भुजा पर जो दाई भुजा है वो अभय मुद्रा देने वाली है और नीचे वाली जो भुजा है वो त्रिशूल उस पर पकड़ा हुआ है। बाई भुजा में डमरू और नीचे वाली जो अगली भुजा है उसमें जो है देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनको वरदान देती है। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनकी सुहाग की रक्षा माँ भगवती स्वयं करती है। वाली लड़की माँ भगवती इस रूप की पूजा करती है तो उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसे उसकी मनोकामना के अनुसार से पति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनके जो जीवन है वो बड़ा सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतःकरण देती है। रात के दसों दिन, जो दसवां दिन है, उस दिन कुंवारी कन्या का जो भोजन, कुंवारी कन्या की पूजा करके उनको भोजन करने का विधान है। परंतु अष्टमी के दिन का जो विधान है वो थोड़ा सा अलग है, वो महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने स्वाह के लिए माँ भगवती को चुनरी भेंट करती है, श्रृंगार का सामान भेंट करती है। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को जो गौर वर्ण का वरदान मिलता है, मिला हुआ था। और एक कथा को मैं आपको, एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊँ। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका जो नाम है वो गौरी पड़ जाता है। तो भक्तों, ये हमने बात बताई आपको अष्टमी के दिन की। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, पहले भी जो जानकारी मैंने माता के अंदर स्वरूप दी थी कि इस दिन भी आप दोपहर के टाइम में समय, जो अन्य समय है पूजा के बाद का समय, उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा का भजन आदि जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार वो आप कर सकते हैं। और सायंकाल में वही माँ भगवती की आरती करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और उसके बाद अपना व्रत आप तोड़ेंगे। तो ये थी माँ भगवती की आठवें स्वरूप की पूजा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे माँ भगवती के नौवें स्वरूप की पूजा, कि उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो आप देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय माता दी।